नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि पके आम से किस तरह से बर्फी बनाएं, बिल्कुल जबरदस्त और बहुत ही बढ़िया बनती है दोस्तों। तो आपको कैसे बनाना वो मैं आपको बताता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर इसे सब्सक्राइब करें। तो हमें उसके लिए आम चाहिए, तो 1 किलो आम लिया है मैंने, और इस आम को मैं छील लूंगा और छील के काट के इसका जो है मैं पेस्ट बनाऊंगा मिक्सी में डाल के। अगर आपके पास मिक्सी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप हाथ से भी इसका पेस्ट बना सकते हैं, लेकिन आपको पानी की एक बूंद नहीं डालनी है, इस बात का ध्यान रखें। तो मैं छीलता हूं और इसका पेस्ट बना के आपको दिखाता हूं। तो दोस्तों, देखते हैं हमारे आम का क्या हाल है। ये देखिए, मिक्सी में मैंने इसको जो है इसमें एक भी बूंद पानी नहीं डाला है। आम मैंने 1 किलो लिया था, तो इसको जो है मिक्सी में पीस लिया। अगर मिक्सी है तो ठीक है, नहीं तो आप हाथ से भी निकाल सकते हैं, कुछ नहीं। ये है नारियल पाउडर, 150 ग्राम है दोस्तों। आप चाहे तो इसको डाल सकते हैं, और नहीं चाहे तो नहीं भी डाल सकते हैं। तो अगर इसको नहीं डाल रहे तो आपको सूजी जो है वो बढ़ानी होगी, मैं आगे आपको बताता हूँ। तो ये 150 ग्राम है, और 250 ग्राम शक्कर है, और जैसे कि मैंने आपको बोला सूजी, ये अभी 50 ग्राम लिया हुआ मैंने, और 50 ग्राम सूजी है, और 150 ग्राम मेरा जो है ये नारियल का पाउडर है। तो अगर मैं अगर नारियल पाउडर नहीं डालना चाहता हूँ तो ये सूजी को जो है 100 ग्राम लूँगा। तो अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो 100 ग्राम सूजी डाल लें और जो है नारियल का पाउडर ना डालें। थोड़ा ये ड्राई फ्रूट लिया और 1 चम्मच घी लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम जो है थोड़ा सा घी डालेंगे और ये सूजी को जो है हम भून के निकाल लेंगे। दोस्तों ये देखिए, 2 से 3 मिनट हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे, आँच कम कर देंगे और इसको हम निकाल देंगे सीधा। तो दोस्तों थोड़ा सा हम घी डालेंगे इसमें, इसको थोड़ा सा, अब जो हमारा नारियल का ये पाउडर है हम इसको डाल देंगे इसमें और इसको भूनेंगे थोड़ा देर। तो आँच बिल्कुल कम कर लेंगे और ये हमारा जो नारियल का जो है ये बुरादा जो अच्छे से सिक गया है 2 से 3 मिनट। अब हम इसमें आम का अपना जो गुद्दा है उसको डाल देंगे, पानी नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखें। अब आँच बिल्कुल धीमी करके इनको हल्का हल्का मिलाना है आपको। तो दोस्तों अब इसमें हम अपनी शक्कर डाल देंगे, पानी नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखें आप, और आँच बिल्कुल धीमी रखनी है आपको। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों हम इस पे दूध डालेंगे 1 कप। और धीरे धीरे हमें इसे मिलाना है, और जब ये मिल जाए तो इसको दोस्तों ये देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं 2 से 3 मिनट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे सूजी। ये देखिए दोस्तों, अगर आपको अगर पानी या कम ज़्यादा लगे तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। वैसे पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, दूध डालना है आपको 1 कटोरी, जैसे कि मैंने डाला है। तो अभी मैं इसको इसमें डालूँगा, ये सूजी डाल दिया है इसमें। अब जो है इसको अच्छे से मिलाएंगे और पकाएंगे इसको। तो उसको अभी अच्छे से आराम से पकाना है दोस्तों, कम से कम 7 से 8 मिनट तक के पकाना है इसको। तो दोस्तों जिस भी आप बोल्ड में या फिर किसी थाली में जिसमें बनाना चाहें उस पर आप जो घी लगा लीजिए इस तरह से। और ये देखिए, ये हमारा करीब 8-9 मिनट हो चुका है, तो इसको मैं धीमी आंच में अच्छे से चला लिया, और देखिए जैसे कि ये गाढ़ा होने जा रहा है। अब हम इसको निकाल लेंगे। इस तरह से हम जितनी मोटी लेयर चढ़ाना चाहते हैं उसको हम डालेंगे इसमें। तो दोस्तों अब जो है हम इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, ये सेट हो जाएगा। तो आधे घंटे बाद हम इसे कटिंग करेंगे। तो दोस्तों ये इसको भी हम ठंडा करने के लिए छोड़ दिए हैं, तो ये आधे घंटे तक हम इसे सेट होने देंगे, इसके बाद हम इसको मनचाहे आकार में काटेंगे।
तो दोस्तों ये सेट हो चुका है। अब इसके ऊपर हमारे पास जो ड्राई फ्रूट है वो डालेंगे, आपके पास जो भी अवेलेबल हो उसको डाल सकते हैं, और अगर थोड़ा समय लगे तो थोड़ा और वेट कर ले, अगर टाइट नहीं हो रहा तो, जैसे कि ये टाइट हो चुका है। तो दोस्तों इसमें हम चांदी का वर्क लगाएंगे, तो इसे काट लेते हैं हम। दोस्तों सेट होने में जितना भी टाइम लगेगा, जैसे कि मेरे को तो आधा घंटा लगा, अगर आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे तो आप थोड़ा ज़्यादा टाइम तक रख सकते हैं। तो दोस्तों मैंगो बर्फी तैयार है, इसमें ना मावा लगा ना कोई ऐसी चाशनी बनानी पड़ी, तो ये तैयार है, आप बनाइए और खाइए। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।